हेलो किड्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट है जीके। तो आज हम लोग जीके पढ़ेंगे और जीके में हमारा टॉपिक है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जिसे हम मेवा भी कहते हैं। तो बच्चों, हमारा है ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा। आपने जनरली देखा होगा अपने घरों में बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हम लोग मिठाई में करते हैं, मीठे में करते हैं। वैसे तो और भी उपयोग होते हैं लेकिन मिठाई बनाने में ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप जनरली कॉमन अपने घर में देखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपने कभी भी नहीं देखा है। और ड्राई फ्रूट की खासियत ये होती है कि ये गर्म होते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है इनको खाने से, है ना, शक्ति मिलती है। तो हम लोग को ड्राई फ्रूट्स का फिर यूज़ करने से और जो खाना होता है, जो मिठाई होती है, जो मीठा होता है, डेजर्ट्स होता है, वो और टेस्टी भी हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा है बच्चों आलमंड्स। इसे क्या बोलते हैं? आलमंड्स, ALMONDS। आलमंड्स कहते हैं हम बादाम को। सबने बादाम खाए हैं, खाते हैं ना। कहते हैं कि रात को बादाम आप भिगो दीजिए इसको पानी में और सुबह छील के खाइए, तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका दिमाग तेज होगा। और बादाम बहुत गर्म चीज़ होती है, है ना। बादाम का तेल भी आता है, बादाम का तेल हम सर में लगाने के में उपयोग भी करते हैं। और बादाम डालने से हमारी मिठाई या कोई भी खीर वगैरह उसमें पड़ता है तो वो टेस्टी हो जाती है। तो ये हमारा हो गया आलमंड्स। नेक्स्ट पिस्टैचियो, पिस्ताचियो, ठीक है, PISTACHIO, पिस्ताचियो। पिस्ताचियो कहते हैं हम पिस्ता को। क्या बोलते हैं? पिस्ता को। पिस्ता हमारा जो होता है उसके ऊपर कवर होता है, जिस तरह से ऐसे बादाम भी कवर में होता है, उसके अंदर से उसका बीज निकलता है खाने के लिए, उसी तरीके से पिस्ताचियो भी होता है। इसके ऊपर से कवर होता है, खोल होता है, और उसके अंदर जो ये निकलता है सॉफ्ट सा पार्ट लाइट ग्रीन कलर का, ये इसे कहते हैं पिस्ता। पिस्ता हमारा जनरली मेवा में यूज़ करते हैं हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हेज़लनट्स। हेज़लनट्स को सफ़ेद अखरोट भी बोलते हैं और हेज़लनट भी बोलते हैं हिंदी में। और ये छोटा छोटा होता है, जैसे अपने सुपारी होती है पूजा के काम में यूज़ की जाती है, उस तरह की सुपारी की तरह होता है बनावट में, ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपका ऐसे ही, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये मेडिकल रूप में डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है, जैसे बाल झड़ना और भी तरीके की बीमारियाँ होती हैं उनमें ये उपयोगी होता है। इसको खाने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। तो ये हो गया HAZEL, हेज़ल, NUTS, नट्स। ऑलराइट, फिर देखिए ये है कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स माने काजू। काजू आप सबने खाए हैं, काजू वाइट कलर के होते हैं, काजू ऐसे साबुत होते हैं, इनको दो पीस में भी कर देते हैं, गाजर के हलवे में, खीर में, है ना। जनरली आपने देखा होगा, पड़ा हुआ होता है, आप लोग खाते हैं काजू को। काजू ऐसे सूखा खाने में भी अच्छा लगता है, काजू फ्राई करके भी अच्छा लगता है, काजू हर तरह से अच्छा लगता है। काजू पीस के सब्जी में भी यूज़ किया जाता है ना। तो इसे कहते हैं कैश्यू नट्स। तो कैश्यू नट्स की स्पेलिंग है CASHEW, कैश्यू, NUTS, कैश्यू नट्स। ऑलराइट, फिर है ये कार्डमन। कार्डमन, CARDAMON, कार्डमन। कार्डमन मतलब इलायची। ठीक है, ये है छोटी इलायची, आप देख रहे हैं, हरी इलायची भी कहते हैं, छोटी इलायची भी कहते हैं, सफ़ेद इलायची भी कहते हैं इसको। और एक और दूसरी तरह की इलायची होती है जिसे हम लाल इलायची कहते हैं, लाल इलायची या काली इलायची। तो वो जनरली हमारे मसाले में यूज़ की जाती है। और ये हमारी क्या होती है, हम किसी भी चीज़ में डाल देते हैं, दूध में, आइसक्रीम में, खीर में, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छी से स्मेल आने लगती है इलायची की। इलायची बहुत छोटी छोटी सी होती है, इसके दाने छील के इसको पीस के हम उसको यूज़ करते हैं। इसको हम चाय में भी डाल देते हैं, आप सभी ने इलायची देखी होगी, है ना। तो इसे हम कहते हैं कार्डमन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पीनट्स। पीनट्स मतलब मूंगफली। तो आजकल विंटर है, आपने पीनट ज़रूर देखी होगी, आजकल आपके घरों में खाया जाता होगा, रजाई के अंदर घुस के सब लोग छील छील के प्याज का ये मूंगफली खाते हैं। मूंगफली के अंदर दाने निकलते हैं, देखा है ना आपने, तो वो दाने खाए जाते हैं जो भुंजे होते हैं। कुछ दाने कच्चे जब होती है मूंगफली हमारी, उनको भी हम पीस के ड्राई फ्रूट्स के रूप में यूज़ करते हैं। इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं, खाते हैं ना, उसको कभी पीस के हम सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई पीनट्स, PEANUTS, पीनट्स माने मूंगफली। ऑलराइट, फिर ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये नाम गलत लिख दिया गया है। ये पिक्चर है आपका डेट्स का। डेट माने ये लिखा हुआ जो यहाँ पर DATES, डेट्स, उसका पिक्चर ये है। डेट्स का मतलब होता है खजूर,
क्या होता है, खजूर। खजूर बहुत फ़ायदा करते हैं, मोस्टली दुबई में मिलते हैं, विंटर में खाने से इसको बहुत शरीर में ताकत मिलती है। ये तो खजूर हमारे कई अलग अलग वैरायटीज़ में आते हैं और छुहारे इसी का रूप होता है। छुहारा हमारा खजूर से ही बनता है, जो जब ज़्यादा सूख जाते हैं वो हमारा छुहारा बन जाता है। तो ये वही है, ये है डेट्स, ऑलराइट। और ये है बच्चों हमारा बटर नट्स। बटर नट्स देख रहे हैं, बटर नट्स एक तरीके का पम्पकिन, देखा ना कद्दू देखा आपने, उसी तरीके का उसी होता है। उसके अंदर जो बीज निकलते हैं उसको हम बटर नट्स कहते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में डाले जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो बटर नट्स किस पढ़ेंगे, BUTTER NUTS, बटर नट्स, ऑलराइट। और लास्ट में है बच्चों हमारा कोकोनट। कोकोनट सबने खाया है, कोकोनट सूखा वाला होता है, जो ड्राई फ्रूट्स सूखा हुआ होता है, जो घिसके हम लोग डालते हैं खीर में। कोकोनट हरा वाला होता है जिसमें पानी भरा होता है, इसका हम प्रसाद में पूजा में चढ़ाने के काम में भी लेते हैं, है ना। कोकोनट का ऑयल भी निकलता है ना। तो कोकोनट बहुत सारे यूज़ में होते हैं, इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो कोकोनट की स्पेलिंग है COCCO, दो बार आएगा COCONUT, कोकोनट, ऑलराइट। तो बच्चों आज हमने पढ़ा ड्राई फ्रूट्स के बारे में, आपको इसे कॉपी में भी लिखना है, इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है, ऑलराइट। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं आपको आप सिलेबस बता दूंगा आपका यूट्यूब में होने वाले सिलेबस का। तो यूटी में आपका जो सिलेबस है उसमें आपके तो फ्लावर्स नेम्स आएंगे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फ्लावर नेम्स। एंड नेक्स्ट हमारा है ये, नेक्स्ट हमारा है टूल्स, ये भी मैंने आपको कराए थे। उसके बाद बच्चों आपका इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, एंड लास्ट है आपका बर्ड्स। ये सब आपके टेस्ट के सिलेबस में आएगा, टेस्ट का सिलेबस है ये आपका। इसको जितना भी मैंने काम करवाया है मैं आपको रिविज़न कराऊँगी, तो आप लोग और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।